नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा धूरिया। आज धनतेरस के साथ उत्तर भारत में हनुमान जयंती भी धूमधाम से मनाई जा रही है। हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान को संकट मोचक माना गया है। मान्यता है कि श्री हनुमान का नाम लेते ही सारे संकट दूर हो जाते हैं और भक्त को किसी भी बात का भय नहीं सताता। उनके नाम मात्र से ही असुरी शक्तियाँ गायब हो जाती हैं। हनुमान जी के जन्मोत्सव को देश भर में हनुमान जयंती के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि श्री हनुमान ने शिव के 11वें अवतार के रूप में माता अंजना की कोख से जन्म लिया था। हिंदुओं में हनुमान जयंती की विशेष मान्यता है। हिंदू मान्यताओं में श्री हनुमान को परम बलशाली और मंगलकारी माना गया है। कहते हैं हनुमान जयंती पर रामायण, रामचरित मानस का अखंड पाठ, सुंदरकांड का पाठ और हनुमान बाहु का पाठ करने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हनुमान जी का जन्मदिन साल में 2 बार मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण है कि कर्क राशि से दक्षिणवासी इनका जन्मदिन चैत्र पूर्णिमा को मनाते हैं, जबकि कर्क राशि से उत्तरवासी हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाते हैं। भक्तों के लिए हनुमान जयंती का खास महत्व है। संकट मोचन हनुमान को प्रसन्न करने के लिए भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मान्यता है कि इस दिन 5 या फिर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने से पवन पुत्र हनुमान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस मौके पर मंदिरों में विशेष पूजा पाठ का आयोजन होता है। घरों में भी भजन कीर्तन किए जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर चढ़ाया जाता है और सुंदर कांड का पाठ करने का भी प्रावधान है। आइए आपको बताते हैं हनुमान जयंती पर कैसे की जाती है पूजा। हनुमान जयंती के दिन सुबह सवेरे उठकर सीताराम और हनुमान जी को याद करें। स्नान करने के बाद ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा में हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें। मान्यता है कि हनुमान जी की मूर्ति खड़ी अवस्था में होनी चाहिए। आपको बता दें, पूजा करते समय ओम श्री हनुमंते नमः का जाप जरूर करना चाहिए। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को सिंदूर और पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं। मंगल कामना करते हुए हनुमान जी को इमरती का भोग लगाना काफी शुभ माना जाता है। हनुमान जयंती के दिन सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। आरती के बाद गुड़ चने का प्रसाद भक्तों में जरूर बांटें। हनुमान जी की पूजा में शुद्धता का काफी महत्व है। ऐसे में नहाने के बाद साफ धुले कपड़े ही पहने। मांस या मदिरा का सेवन ना करें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो नमक का सेवन बिल्कुल ना करें। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्रियों के स्पर्श से दूर रहते थे। ऐसे में महिलाएं हनुमान जी के चरणों में दीपक प्रज्वलित कर सकती हैं। पूजा करते वक्त महिलाएं ना तो हनुमान जी की मूर्ति का स्पर्श करें और ना ही उन्हें वस्त्र अर्पित करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।